तो ये जो पोइट है हमारे पीबी शैली जी, इसने समर एंड विंटर में उस आदमी के बारे में कहा कि जो मतलब सर्दी के सीजन में बेगरी कर रहा है, भीख मांग रहा है। सारी पोइम्स कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब इसका स्टडी मटेरियल कहाँ से ले, इसके बारे में ध्यान से सुन के जाओ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोर्ड क्लास 8, सब्जेक्ट आपका रहेगा इंग्लिश, टॉपिक रहेगा पोइम नंबर 10। लास्ट पोइम है क्लास 8 की इंग्लिश की, जिस पोइम का नाम है समर एंड विंटर और पोइम के राइटर है पीबी शैली। तो बिना टाइम वेस्ट के इस पोइम की लास्ट पोइम की एक्सप्लेनेशन हम करते हैं स्टार्ट। YouTube चैनल कंबाइन एजुकेशन, मैं हूं गरम महाजन और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की लास्ट पोइम, जिस पोइम का नाम है समर एंड विंटर और जिसके राइटर है पीबी शैली। राइटर का नाम याद कर लो भाई, क्योंकि जब भी पैसेज आएगा अगर इस पोइम से आया तो पोइट का नाम पूछा ही जाएगा। पोइट का और पोइम का नाम 1-1 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए मैं पिछली 9 वीडियोस में भी कहता आया हूं, आज 10वीं वीडियो जो 10th पोइम है इसमें भी ये कह रहा हूं कि राइटर का नाम याद कर लो, 1 मार्क्स आपको मिलेगा। 10 पॉइंट्स के राइटर है, इन 10 के 10 पॉइंट के राइटर का नाम आपको याद करना है। किसी प्रोज, किसी स्टोरी, किसी प्ले के राइटर का नाम नहीं याद करना, इनके राइटर का नाम आपको याद करना है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें आज की पोइम की एक्सप्लेनेशन पे, उसकी थीम के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि क्लास 8 में आप सभी को पता है कि 10 पोइम्स थी, ये हमारी 10th पोइम के ऊपर वीडियो है। लेकिन इससे पहले कि 9 वीडियोस जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि 9 डेज में उन 9 पोइम्स की एक्सप्लेनेशन, उसकी समरी और थीम के बारे में हमने बात की थी, और आज यहाँ पे हम 10th पोइम के बारे में बात करने वाले हैं। जो नए व्यूअर्स आए हैं, पहली बार आए हैं, उनको अगर आपने अभी तक वो पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जहाँ पे आप लाइक करोगे ना वीडियो को, वहाँ पे मोर का ऑप्शन आएगा, उस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, और वहीं पर मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक है, यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा सारी पॉइंट्स का, जिसमें क्वेश्चन आंसर समरी थीम और पैसेजेस इंक्लूड होंगे एट जस्ट रुपीज 200 में आपको ये सारी 10 की 10 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन, उसकी समरी थीम और क्वेश्चन आंसर पैसेजेस मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपनी पॉइंट को। तो सबसे पहले पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, पॉइंट के टाइटल को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे तो पॉइंट के टाइटल को इतना ध्यान से देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पॉइंट का टाइटल है समर एंड विंटर। अब समर का मतलब आता है गर्मी और विंटर का मतलब आता है सर्दी, यानी इस पोइम में किस चीज के बारे में बात की गई है, गर्मी के मौसम के बारे में और विंटर सर्दी के मौसम के बारे में। अब इस पोइम की थीम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, अगर हम इस पोइम की थीम के बारे में बात करें ना, तो थीम क्या बनती है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन समर एंड विंटर। अब कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या आता है, कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग आता है भाई, कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग आता है डिफरेंस। इस पोइम की थीम क्या है, डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर। समर के मौसम में और विंटर के मौसम में जो डिफरेंस है, उसके बारे में ये पूरी पोइम में बात की गई है। यार इसको मैं ही दिख रहा हूँ, मेरे को कट करके जाएगी यार, फिर मैं ऐसे वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्या पागल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वैसे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना पोइट ने 2 सीजन्स की एक्सप्लेनेशन की है, वो 2 सीजन क्या है, समर और एक सीजन है हमारा विंटर। समर सीजन में पोइट ने क्या कहा है पोइम के थ्रू, द पोइट सेज दैट इट वाज अ ब्राइट एंड चेयरफुल आफ्टरनून टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सनी मंथ ऑफ जून। जून का महीना समाप्त होने को है और आज एक ब्राइट एंड चेयरफुल आफ्टरनून है। ब्राइट एंड चेयरफुल आफ्टरनून का मतलब वहां पे क्या है, ब्राइट एंड चेयरफुल आफ्टरनून में गाढ़ी धूप निकली हुई है, जो आमतौर पे जून के महीनों में निकली होती है।
दिस इज द टाइम व्हेन द नॉर्थ विंड गैदर्स इन क्राउड्स देयर फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ द सिल्वर क्लाउड्स फ्रॉम द हॉरिजन एंड द क्लियर स्काई ओपन्स बियॉन्ड देम लाइक एटर्निटी। इसने क्या बोला, ये वो टाइम है जून के लास्ट में जब नॉर्थ से विंड चलती है और वो क्लाउड्स में आके माउंटेन का लुक देती है। यहाँ पे इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे वो मानसून सीजन की बात कर रहे हैं क्योंकि जून के लास्ट में जुलाई की स्टार्टिंग में मानसून जो है बारिश वाला सीजन जो है वो आ जाता है। ऑल थिंग्स रिजॉइस्ड अंडर द सन द वीड्स द रिवर द कॉर्न फील्ड्स द रीड्स द विलो लीव्स द बाउंस्ड इन द लाइट ब्रीज एंड द फर्म लीव्स ऑफ द लार्जर ट्रीज। ये जो पहले उसने बात की कि सन निकला हुआ था समर के जून के महीने में, जो सन था वो निकला हुआ था, क्लाउड आ रहे थे। एक पिक है मैं आपको दिखाता हूँ, इस पिक को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लाउड भी है, यहाँ पे सन भी डार्क वे में निकला हुआ है। अब इमेजिनेशन पूरी हुई। और पोइट ने क्या कहा कि जमीन पे लैंड के ऊपर जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी सन के मतलब कॉन्टेक्ट में आ रही है, जितने भी घर हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारे सन के कॉन्टेक्ट में आ रही है। हाँ, अगर कोई तीसरे चौथे मंजिल के नीचे होगा, एक होता है ना कि अंडरग्राउंड हम वो बनाते हैं, अंडरग्राउंड हॉल बनाते हैं, वहां पे अगर कोई होगा तो उसको धूप की किरणें नहीं आएगी, लेकिन आमतौर पे जो जमीन है वहां पे धूप की किरणें पड़ रही है। ये हो रहा है समर मंथ में। विंटर में क्या हो रहा है, द पोएट सेज दैट इट वाज अ विंटर। पोएट ने कहा अब ये विंटर का मंथ है। व्हेन बर्ड्स डाई इन द डीप फॉरेस्ट एंड द फिशेस लाई एंड द फिशेस लाई फ्रोजन इन द ट्रांसलूटेंट आइस विच मेक्स इवन द मड एंड स्लाइम ऑफ द वार्म लेक्स आर इंकल्ड लंप एज हर्ड एज अ ब्रिक ड्यूरिंग सच विंटर कंफर्टेबल मैन गैदर अमंग चिल्ड्रन अराउंड ग्रेट फायर्स एंड स्टिल फील कोल्ड द पोएट एक्सक्लेम्स सैडली फॉर द फेट ऑफ द होमलेस बेगर ड्यूरिंग सच अ हार्श एंड कोल्ड विंटर। विंटर में क्या हुआ, विंटर में जितने भी आपके बर्ड थे ना पक्षी, वो फॉरेस्ट में थे और वो मारेंगे, क्यों, ठंड की वजह से। भाई ठंड तो सभी को एक जैसी है ना, वो मारेगी। जो फिशेस थी वो पानी में थी, पानी ठंडा हुआ वो मारे गया। लेकिन हम जो आम ह्यूमन बींग्स हैं वो सर्दी के मौसम में अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने रूम हीटर लगाए हुए हैं, अपनी जो फायर्स हैं उनको जलाया हुआ है, लेकिन हम लोगों को फिर भी ठंड लग रही है। अब पोइट है, पोइट बेचारा सिंपैथीफुल है, उसको बाकी लोगों की ज़्यादा चिंता। पोइट कह रहा है कि मुझे इन लोगों को देख के, जो फैमिली के साथ बैठे हुए हैं इन लोगों को देख के ना उसकी चिंता हो रही है, उस ओल्ड बैगर की, उस ओल्ड भिखारी की, उस बूढ़े भिखारी की जो अलग अलग जगह में घूम रहे, कभी फुटपाथ पे ही सोया जा रहा है, कभी खाने के लिए तरस रहा है। तो इस पोइम में पी बी शैली ने समर एंड विंटर पोइम में दो अलग अलग सीजन्स में और दो अलग अलग सीजन्स में क्या होता है उसके बारे में बात की है। तो दोस्तों ये हो गई आपकी लास्ट पोएमिक कंप्लीट। यहाँ पे आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला आप क्या चाहते हैं, पहले प्रोज चाहते हैं या स्टोरीज चाहते हैं, ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आने वाले वीडियोस आपके लिए होंगी। तो दोस्तों आज के लिए थैंक यू वेरी मच।